Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, after discussing the types, nature, value, and the types, nature, and characteristics of values, I am here to discuss the concept, need, and meaning of value education. Okay? मतलब हम जानने जा रहे हैं कि मूल्य परक शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है. तो एक क्विक रीकैप वैल्यूज के बारे में. अ वैल्यू इज वन ऑफ द मेनी अल्टरनेटिव्स दैट अ पर्सन चूजेस एंड एक्ट्स अपॉन बिकॉज इट इंक्रीजेस ह्यूमन डेवलपमेंट. वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूट दैट विच इज एक्सेप्टेड बाई द ग्रुप, कम्युनिटी और सोसाइटी. मतलब मूल्य क्या है जिनको समाज, समुदाय और समूह से एक्सेप्टेंस मिली हुई है, स्वीकृति मिली हुई है. और एक व्यक्ति बहुत सारे ऑल्टरनेटिव उसको पास होते हैं तो उन्हीं को चुनता है जो जिनको वो मूल्यवान समझता है, जो उसके मूल्य का हिस्सा होते हैं. ए वैल्यू स्टैंड फॉर आइडियाज मैन लिव फॉर. एक मूल्य क्या है कि वो विचार है जिनके लिए व्यक्ति जीता है. They are the part and parcel of the philosophy of a nation. वो एक राष्ट्र की philosophy का हिस्सा होते हैं, that of its educational system, और उसके शैक्षिक तंत्र का भी हिस्सा होते हैं. They are the guiding principles of life. मूल्य ही हैं जो हमें जीने का रास्ता दिखाते हैं या जीवन के सिद्धांतों को guide करते हैं, निर्देशित करते हैं. Today there is the deterioration of values in society. हम सभी ये महसूस करते हैं कि आजकल समाज में मूल्यों का पतन हो गया है. The values have been neglected. मूल्य neglected हो रहे हैं, उनको मतलब एकदम नकार दिया गया, उनकी कोई मतलब एक्सेप्टेंस नहीं रह गई है. नॉट ओनली एट द सोशल लेवल बट एट द नेशनल लेवल ऑल्सो. सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी. सेवरल फैक्टर्स विद मॉडर्न हायर एजुकेशन आर मेकिंग पीपल लिटरेट और एजुकेटेड अनडाउटेडली, बट ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरगेटिंग द बेसिक्स और वैल्यूज ऑफ ए गुड ह्यूमन बींग और ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी. वो कह रहे हैं कि आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है, उसने निश्चित रूप से निःसंदेह व्यक्ति को साक्षर और शिक्षित तो बनाया है, लेकिन दूसरे साइड पर अगर देखा जाए तो उसने भूला दिया है हमको जीवन के मूल्य, जो एक अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग की वैल्यूज होने चाहिए, जो बेसिक्स होने चाहिए, जो एक समाज के जिम्मेदार नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. उन सबसे नेग्लेक्ट हो गए हैं हम, दूर हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं. इसलिए आवश्यकता है वैल्यू एजुकेशन की. अगर इसके बैकग्राउंड में जाए तो वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए था. वैल्यू एजुकेशन इज टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द आइडियल्स दैट ए सोसाइटी थिंक्स इज इंपॉर्टेंट. मतलब एक समाज जिन मूल्यों को महत्वपूर्ण समझता है उन्हीं का शिक्षण अधिगम मूल्यपरक शिक्षा होती है. द एम इज फॉर स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज बट ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट देम इन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. इसका उद्देश्य ये है कि हम ना सिर्फ विद्यार्थियों को ये समझाएं कि मूल्य क्या है, बल्कि वो अपनी अभिवृत्तियों में, अपने व्यवहारों में उसका प्रतिलक्षण भी कराएं, उसको प्रतिदर्श कराएं, वो दिखे. एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी थ्रू गुड सिटीजनशिप एंड इथिक्स. और हम समाज को एक अच्छे नागरिक बनकर, एक अच्छी नागरिकता के गुणों और नैतिकता के गुणों के साथ एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके. मॉरल एजुकेशन, कैरेक्टर एजुकेशन, इथिक्स एंड फिलोसफी हैव अटेम्प्टेड टू डू सिमिलर थिंग्स. यानी कि नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, आपकी नीति जिसको आप कहते हैं, इथिक्स नीति शास्त्र जिसको कहते हैं, दर्शन, सब लगभग सभी समान प्रयास करते हैं. The need of the hour is to impart value based education. तो इस समय की मांग है कि हम मूल्य आधारित शिक्षा बच्चों को दें. The stress should be on values such as patience, honesty, tolerance, sympathy and love for fellow brethren and sisters. मतलब जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके उनके प्रति हमको पेशेंस होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, थोड़ा सहनशीलता की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति हो, प्यार हो, है ना, स्नेह हो, ये सब होना चाहिए. The students must be indoctrinated to keep values as top priority. ये हमें बच्चों को सिखाना है, विद्यार्थियों को बताना है कि उनको मूल्यों को सबसे ऊपर रखना है प्राथमिकता की दृष्टि से. The youngsters need not only to be taught how to develop their skills, talents and abilities, they must also be taught how to use these skills, talents and abilities for the welfare and betterment of all. हमको सिर्फ ये नहीं सिखाना है विद्यार्थियों को कि कैसे मतलब उनके talents, skills और abilities को विकसित करना है, बल्कि ये भी सिखाना है कि कैसे वो उसको use कर सकते हैं सबके कल्याण और सबकी बेहतरी के लिए. जॉन डीवी के शब्दों में अगर हम देखें तो वैल्यू एजुकेशन मीन्स प्राइमरीली टू प्राइज टू, मतलब जिसको आप प्राइज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जिसको आप उपहार स्वरूप समझते हैं, जिसको आप एस्टीम समझते हैं, जिसको आप अप्रेज करते हैं, जो आप होल्डिंग इट डियर, जिसको हम अपने पास रखते हैं. एंड ऑल्सो द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट अपॉन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ इट्स वैल्यू इज कम्पेयर विद समथिंग एल्स. मतलब वो हम उसको सब चीजों से, सब अपने जो भी किसी भी और चीज से ज्यादा हम उसकी उसकी वैल्यू करते हैं, उसको मूल्य देते हैं, उसको हमारे लिए अजीज होता है वो वैल्यू, और उसको प्रदान करना वैल्यू एजुकेशन.
वैल्यू बेस्ड, अगर इसके अर्थ के बारे में देखें तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज द थ्री फोल्ड डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ एनी जेंडर एंड एज, यानी किसी भी आयु लिंग का अगर व्यक्ति होगा तो उसके तीन तरीके का विकास करना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जिम्मेदारी है। कौन कौन सा? पहला है फिजिक मेंटेलिटी एंड कैरेक्टर, मतलब उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो और उसका चारित्रिक विकास हो। एज अ सोसाइटी द कंसर्न विद वैल्यूज एजुकेशन इज नॉट यूनिक टू अवर टाइम्स बट द इरोजन ऑफ वैल्यूज हैज फोर्स्ड इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन एजुकेशन। देखिए क्यों शिक्षा में इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि जब हम देख रहे हैं समाज का जो हाल है तो शिक्षा को अपना अंतर्दृष्टि में एक बार इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दृष्टि डालनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है कि कहां हम पीछे रह गए। तो वैल्यू एजुकेशन इज इंटीग्रल टू एजुकेशन ऑफ एनी काइंड एंड हैज बीन फोकस्ड अपॉन इन मेनी एजुकेशनल कमिटीज रिपोर्ट्स इन इंडिया। इसीलिए चूंकि ये तो हमारा देश तो सदैव से मूल्यों में रिच रहा है और हमेशा से ही शिक्षा से जुड़ी हुई है वैल्यू एजुकेशन, तो बहुत सारे कमीशन और कमिटीज ने भी अपनी रिपोर्ट्स में वैल्यू एजुकेशन की बात कही है। द मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू टीच यूनिवर्सल वैल्यूज, मूल्य परक शिक्षा का अर्थ यही है कि हम बच्चों को सार्वत्रिक मूल्य सिखाएं, जैसे कि नैतिक मूल्य, जैसे कि सहन शक्ति, ईमानदारी एक्सेट्रा टू द स्टूडेंट्स। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। अगर बच्चे स्टूडेंट को, विद्यार्थी को आप मूल्य शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से उसकी जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसका विकास होगा। द चिल्ड्रन शुड डेवलप इन ऑल डिमेंशन सो दैट दे कैन सर्व द नेशन मोर डेमोक्रेटिक कोहेसिव सोशली एंड रिस्पॉन्सिबली। अगर व्यक्ति को मूल्य परक शिक्षा मिलेगी तो सभी आयामों में उसका विकास होगा और वो राष्ट्र की मदद कर सकेगा, राष्ट्र का विकास कर सकेगा डेमोक्रेटिकली, कोहेसिव रूप से, मिलजुल के, सामाजिक रूप से और जिम्मेदारी के साथ। वैल्यू एजुकेशन शुड नॉट बी सीन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। हमको ये नहीं समझना है कि एक पीरियड, एक चैप्टर, एक क्लास वैल्यू एजुकेशन के लिए नहीं, वो जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं इनडायरेक्टली हम हर विषय में आप वैल्यू एजुकेशन आपको वैल्यूज सिखा सकते हैं। ये इनहेरेंट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। मियरली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मस्ट नॉट बी द एम, द क्लियर रीजन एंड मोटिव बिहाइंड मस्ट ऑल्सो बी थॉट। फिर इसकी आवश्यकता क्या है? वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड अवर एस्पिरेशंस एंड विजुलाइज अवर गोल्स फॉर ए फुलफिलिंग लाइफ एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट। यानी कि मूल्य परक शिक्षा हमें इस लायक बनाएगी कि हम अपने मूल्यों को समझ सकें, हम अपने गोल्स को समझ सकें, हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें। द प्राइम नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एस्पिरेशंस। जो इसकी प्राइमरी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, वो यही है कि मनुष्य समझ सके कि वो क्या, किसके लिए जीवित है, क्या करना चाहता है। टू डिस्कवर वॉट इज ट्रूली वैल्यूएबल इन लाइफ, हम ये पता कर सके कि हमारे लिए सबसे मूल्यवान क्या है जीवन में, एंड वर्क आउट द प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट, और उसी के लिए हम काम करें। मॉरल अवेयरनेस आएगी बच्चों में, कॉमन वैल्यूज रीडिस्कवर्ड होंगी। टीचर जो है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बहुत से मूल्य समाज में, कक्षा में अपने देता है। अगर वो समय से जाता है तो पंक्चुअलिटी, अगर वो अपना सिलेबस टाइम से पूरा करता है, सब अच्छे से बताता है, तो इसका मतलब वो हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, सिंसियरिटी। अगर वो इम्पार्शियल होता है तो इम्पार्शियलिटी, मतलब सारे बहुत मूल्य हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। देयरफॉर द नीड फॉर ए कॉन्शियसली प्लान्ड वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज ऑब्वियस टू एस्टैब्लिश अ फॉर्मल लर्निंग। इसके अलावा क्या कर सकती है वैल्यू एजुकेशन? इट अवेकेंस क्यूरियोसिटी, ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगाती है, हमारे इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड कैपेसिटी जो होती है उसका डेवलपमेंट होता है कि हम अपने बारे में सोच सकें और निर्णय ले सकें। वैल्यू एजुकेशन से राष्ट्रीय, आप कह सकते हैं नेशनल होना चाहिए था, नेचुरल हो गया है, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता मिलती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द राइट डिसीजंस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। चूंकि वैल्यूज हमको पता है प्रेफरेबल क्या है, क्या चुनना है, क्या हमको हर हालत में दिक्कत भी होगी तो भी वही चुनना है, तो उससे हमको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। द की इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज हाईलाइटेड इन डिस्टिंग्विशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स वैल्यू। इट इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ मीनिंग बिहाइंड व्हाट वन इज सपोज्ड टू डू एंड दस एड्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस तरह से हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी मूल्य शिक्षा मदद करती है। अगर हम पॉलिसी मैटर में देखें तो कहां कहां कब कब कहा गया वैल्यू एजुकेशन के लिए, तो कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन पे कमिटी बिठाई गई थी, सामवेगिक, या आप कह सकते हैं सामवेगिक ही कहेंगे, एकीकरण में 1961 में। उसने कहा कि साइंस स्टूडेंट शुड हैव एटलीस्ट सम बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटीज, बिकॉज बिल्कुल साइंस पढ़ पढ़ के हम इमोशन से डिवॉइड ऑफ हो जा रहे हैं, डिटैच हो जा रहे हैं, तो सबको, साइंस स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहिए, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानना चाहिए। उसी तरह से आपके कोठारी कमीशन ने भी कहा कि मॉरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को लेवल पे पढ़ाया जाए। यूनेस्को ने भी कहा कि एजुकेशन सिस्टम को मस्ट प्रमोट करना चाहिए वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग।
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 ने भी कहा कि करिकुलम में आप रीएडजस्टमेंट करिए जिससे कि एजुकेशन को एक टूल के रूप में यूज किया जा सके, या शिक्षा को एक उपकरण के रूप में यूज किया जा सके जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्य हम बच्चों में डाल सकें और उनको फेनेटिसिज्म, सुपरस्टिशन, इलिटरेसी से दूर कर सकें। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 इनवाइसेज द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन ए नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क कंटेनिंग ए कॉमन कोर अलॉन्ग विद अदर फ्लेक्सिबल कॉम्पोनेंट्स। मतलब पूरे राष्ट्र में एक तरीके का कॉम्पोनेंट फॉलो किया जाए और इस तरीके की बहुत सारी बातें, और बहुत जैसे कि कई हम वैल्यूज क्या सिखाएंगे, इंडिया की कॉमन कल्चरल हेरिटेज सिखाएं, इगेलिटेरियनिज्म यानी कि समानता, समता, राज लोकतंत्र, आपका इक्वेलिटी ऑफ द सेक्सेस, लैंगिक विभिन्नता ना हो, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, हम वातावरण को सुरक्षित रखें, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स, कोई सामाजिक व्यवधान आ रहा है उसको दूर करें, और इनकल्केशन ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक टेम्परामेंट का इनकल्केशन बच्चों में करें। तो ये कुछ कॉमन मूल्य हैं जो हमेशा से बात की जाती रही है कि शिक्षा में होनी चाहिए। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका लेटेस्ट एनईबी 2020 आई है और उस पर बेस्ड जो एनसीएफएसई 2023 आया है, एनसीएफएसई क्या है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये भी कह रहे हैं कि मूल्य सिखाए जाएं। द एनईबी 2020 ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस सेवरल कोर वैल्यूज, बहुत सारे कोर वैल्यूज की इसने बात की है, जैसे इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी मतलब समावेशित शिक्षा, समतापूर्वक समतामूलक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक्सीलेंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषा से पढ़ाया जाए, कल्चरल डाइवर्सिटी, सामाजिक जो विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता देश की है उस पर ध्यान दिया जाए, इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, नीति और नैतिक मूल्यों के बारे में बात हो, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, जो पर्यावरण में इतना पोल्यूशन है उसके प्रति सचेत रहें, उसको संरक्षित करने का काम करें, डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, इतनी वैल्यूज की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कही है। दीज वैल्यूज सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये वैल्यूज एक तरीके से हमारे गाइड का काम करेंगे कि हमको किस तरह का अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना है जिससे स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इंक्लूसिविटी हो, समाज का कोई हिस्सा छूटा ना हो, सबको सब तक शिक्षा की पहुंच हो। और उसी तरह से जब राष्ट्रीय नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क ने अपना काम किया, उसने भी कहा कि हम रूटेड मतलब इंस्टिल अमंग द लर्नर्स अ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, मतलब इस तरीके की शिक्षा हो कि जो विद्यार्थी पढ़ के निकले उसको भारतीयता में उसको गर्वित महसूस करे, वो भारतीय होने पर गर्व महसूस करे, नॉट ओनली इन थॉट, सिर्फ सोचे नहीं बल्कि उसके इंटेलेक्ट में, उसके कार्यों में, उसकी आत्मा में, सब में ये आए झलक, और उस हिसाब से उसके नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस को हमें डेवलप करना है जिससे वो एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग बन सके, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद कर सके, ग्लोबल वेलबीइंग के लिए सोचे और एक वैश्विक नागरिक की तरह से वैश्विक नागरिक की भूमिका में हो। ठीक है, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा रहता है पर समय इतना लंबा करने में वो वीडियो लंबा हो जाता है, तो आपके पास मैटर है, आप चाहें तो उसको और एक्सप्लेन कर लीजिए, आप इसको शॉर्ट कर लीजिए, आप इसको फ्लो चार्ट में बना लीजिए, मैटर आपके सामने, चाहें जैसे आप इसको प्रेजेंट करिए, पर आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है, वैल्यू की टाइप्स क्या है, वैल्यू एजुकेशन किसको कहते हैं, क्या मीनिंग है, किस किस पॉलिसी ने कब कब वैल्यू के लिए क्या कहा है, और क्या नीड है। नीड यही है कि वैल्यूज खत्म हो रही है, तो वैल्यूज को हमको फिर से हासिल करना है एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए। ओके, सो इन दिस वे दिस टॉपिक हैज ऑल्सो बीन कवर्ड बाई मी। So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I've done from myself.